दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी को अब रहने के लिए अपना बंगला वापस मिल गया है। दरअसल बीते 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने आतिशी का सामान उनके घर से बाहर निकाल दिया था। हालांकि अब तमाम तरह की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और उन्हें फिर से वही बंगला वापस मिल गया है जिससे उन्हें निकाला गया था। एलजी आवास से मिली जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने कल यानी बीते 11 अक्टूबर को उन्हें बंगले की चाबी सौंप दी है। ऐसे में आखिर पूरा मामला क्या है और इस मामले में नियम क्या कहते हैं, आपको अपनी इस रिपोर्ट में बता देते हैं। जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली सीएम पद की शपथ ली। 4 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैगशिप रोड वाला अपना बंगला खाली कर दिया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक तस्वीर में आवास की चाबी एक अधिकारी को सौंपती भी नजर आई और वो तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुई। वहीं इसके बाद अगले ही दिन 7 अक्टूबर को आतिशी बंगले में रहने आ गई थी। मंत्री के रूप में पहले से आवंटित मथुरा रोड वाला बंगला भी उनके पास ही था। वहीं इसके साथ आतिशी के शिफ्ट होते ही बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आतिशी पर आधिकारिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाने लगी। वहीं जिसके बाद 9 अक्टूबर को दिल्ली पीडब्ल्यूडी की टीम सुबह 11 बजे बंगले का मुआयना करने पहुंची। उन्होंने आतिशी से अलॉटमेंट लेटर मांगा जो उनके पास नहीं था। वहीं उसके बाद पीडब्ल्यूडी के हिसाब से नियम का पालन न करने के कारण आतिशी का सामान घर से बाहर निकाल दिया गया। दोपहर को आतिशी से बंगले की चाबी लेकर उसे सील कर दिया गया। हालांकि इस मामले पर बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत ये आवास मुख्यमंत्री आवास के रूप में निर्धारित हो। वहीं फिर इसके जवाब में दिल्ली सीएम ऑफिस ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। वहीं इस पूरे मामले के 2 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आतिशी को वही बंगला वापस कर दिया गया है। वहीं इस दौरान दिल्ली की राजनीति में जमकर सियासी बवाल भी देखने को मिला था। संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था, ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा था पहले आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपाई। वहीं इसके बाद आप समझिए कि आखिर दिल्ली में सीएम या मंत्रियों को घर मिलने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से पीडब्ल्यूडी मकान अलॉट करता है। अगर मुख्यमंत्री या मंत्री को कोई विशेष बंगला चाहिए तो उन्हें भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ही आवेदन देना होता है। अगर बंगला खाली हो तो आमतौर पर मंत्री की इच्छा के अनुसार बंगला दे दिया जाता है। जब बंगला किसी को दिया जाता है तो पहले अलॉटमेंट लेटर फिर चाबियां दी जाती हैं। वहीं बंगला देने से पहले पीडब्ल्यूडी उसमें कुछ कामकाज भी कराता है। वहीं अगर आतिशी के बंगले की बात की जाए तो आमतौर पर हर राज्य में एक सीएम हाउस होता है। दिल्ली में कोई बंगला आधिकारिक तौर पर सीएम हाउस नहीं है। पिछले 30 साल में दिल्ली के सभी सीएम अलग अलग बंगलों में रहे हैं। माना जाता है कि आतिशी जब सीएम बनी तो वे 6 फ्लैगशिप रोड को सीएम बंगला मानकर उसमें रहने चली गई। आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई अलॉटमेंट लेटर भी नहीं था, इस लिहाज से कह सकते हैं कि उन्होंने नियम तोड़कर बंगले पर कब्जा किया था। वहीं अब पीडब्ल्यूडी के मुताबिक हस्तांतरण और अधिग्रहण सहित सामान की इन्वेंटरी की उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से 6 फ्लैगशिप रोड के बंगले को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।